आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। देश भर में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1947 के समय आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया था? नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं 15 अगस्त को आजादी का दिन चुने जाने के पीछे की वजह। दरअसल ब्रिटिश शासन के मुताबिक भारत को 30 जून 1948 को आजादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की संभावना बनते देखकर भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी देने का फैसला लिया गया था। इसके लिए 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया था। इस बिल को ब्रिटिश संसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई थी और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी देने की घोषणा कर दी गई थी। गौरतलब है कि भारत के आखिरी वॉइसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास था। 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया था, जिसकी वजह से माउंटबेटन 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते थे। इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन भारत की आजादी के लिए चुना था। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी आजादी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे? दरअसल आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र भेजकर स्वाधीनता दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, लेकिन पत्र के जवाब में महात्मा गांधी ने कहा था कि जब देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो कैसे आजादी के जश्न में शामिल हो सकते हैं। अपने पत्र में उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, मगर इसके साथ ही मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप खुशी ना मनाएं। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह आजादी मिली है उसमें भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीच भी हैं। मेरे लिए आजादी की घोषणा की तुलना में हिंदू मुसलमानों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है। खैर, ये तो था इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ एक सम्मानित और ऐतिहासिक अध्याय, जिसके लिए हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराने में अपना मूलभूत योगदान दिया, जिनकी वजह से आज हम न सिर्फ एक आजाद देश में रह रहे हैं बल्कि आजादी से अपने अधिकारों को भी चुन पा रहे हैं। ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। इसी के साथ आप सभी को इंडिया पब्लिक खबर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।